लंबे विवाद के बाद अब आखिरकार टाटा सन्स को उनके नए चेयरमैन मिल गए हैं। जी हां, टीसीएस के सीईओ नटराजन शेखरन टाटा सन्स के नए चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। टाटा सन्स में 149 साल बाद पहली बार है कि गैर पारसी चेयरपर्सन चुना गया है। कारोबार जगत में चंद्रा के नाम से मशहूर नटराजन चंद्रशेखरन रतन टाटा के सबसे भरोसेमंद अधिकारियों में शामिल हैं। टाटा सन्स के साथ शेखरन का साथ 30 साल पुराना है। वह 1987 में टाटा में बतौर कर्मी जुड़े थे, तब से लेकर अब तक वह इसी से जुड़े रहे। वह टाटा की एक प्रमुख कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर रह चुके हैं। पिछले साल अक्टूबर में उन्हें टाटा सन्स के बोर्ड में डायरेक्टर बनाया गया था। आपको बता दें कि नटराजन शेखरन वो शख्स हैं जिन्होंने टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काफी योगदान दिया। जब अन्य सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियां मुश्किलों का सामना कर रही हैं, ऐसे समय में टीसीएस ने मुनाफा दर्ज किया है। शेखरन ने पारंपरिक तौर तरीकों से हटकर नए प्रयोग भी किए जो काफी सफल रहे। वैसे आपको बता दें कि इससे पहले साइरस मिस्त्री को यह पद मिला था, लेकिन काफी विवाद के बाद उन्हें हटा दिया गया और अब जाकर 53 साल के नटराजन शेखरन को यह जिम्मेदारी दी गई है। देखते रहिए टीवी लाइव।